हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली, आप देख रहे हो द ग्लोरी मेकअप स्टूडियो। क्यूकम्बर की गुडनेस के बारे में हम सबको पता है, क्या आपको पता है मार्केट में क्यूकम्बर की जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें लॉन्ग टाइम सेफ रखने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव ना दे के अगर ये सारे प्रोडक्ट हम घर पर बनाएं जो कि स्किन के लिए अमेजिंग फ़ायदेमंद होगा। आपको इतना पता होगा क्यूकम्बर में 96% वाटर होता है जो कि हमारे स्किन और नेल्स के लिए, हेयर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आज हम बताएंगे कि क्यूकम्बर के जो भी प्रोडक्ट होता है, मोस्टली जो पॉपुलर टोनर माना जाता है वो क्यूकम्बर टोनर होता है या रोज टोनर होता है। नंबर वन पे आता है क्यूकम्बर टोनर। जब अंडर आई डार्क सर्कल की बात करें तब जो प्रोडक्ट की बात आती है अंडर आई क्रीम की, वो भी होता है क्यूकम्बर आई क्रीम, अंडर आई डार्क क्रीम। तो ये क्रीम हम घर पे बिना कोई प्रिजर्वेटिव देके अगर बना सकते हो तो बहुत ही अमेजिंग फ़ायदेमंद होगा। आइए जानते हैं कि कैसे बना सकते हो घर में। प्रॉब्लम नंबर वन, अंडर आई डार्क सर्किल। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे कैसा भी हो, वोमेंस हो, लेडीज़ हो, चाहे जैसा भी हो, सबको होता है थोड़ा बहुत अंडर आई डार्क सर्कल। और इसके लिए हम मार्केट की प्रिजर्वेटिव क्रीम यूज़ करते हैं। आपको वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, आप घर में रेडी करो बहुत सेफ और बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से। क्यूकम्बर की आपको बस ये करना है कि क्यूकम्बर को 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर करना है। उसे निकाल के बस आपको 2 स्लाइसेस की नीड होगी। बहुत अच्छे से 2 स्लाइसेस लेने के बाद आप आइस पे उसे जितनी देर मर्जी रख सकते हो, कोई हार्मफुल नहीं होता क्योंकि क्यूकम्बर की गुडनेस हम सबको पता होता है। तो इसे अंडर आई पे रखने के बाद, आइस के ऊपर रखने के बाद आप आइस को क्लोज करके एक कॉटन लेके क्यूकम्बर टोनर के हेल्प से गीला करके आप आइस के ऊपर ढक दो। अब देखोगे तुरंत ही आपके आइस पे एक कूलिंगनेस महसूस हो रहा है, जिससे आपके अंडर आई पपनेस के साथ साथ जो डार्क सर्कल है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। है ना अमेजिंग ट्रिक्स, इसे ज़रूर यूज़ करें, बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर सेकंड प्रॉब्लम होता है जो होता है स्किन पिगमेंटेशन। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर दूसरे बंदे को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, सबको इफ़ेक्ट करता ही है। इसके लिए आपको बस एक 1 इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ चीज़ें मिक्स करना है। नंबर वन आपको लेना है एक के वाइट पार्ट, एक के आपको येलो पार्ट को निकाल के वाइट पार्ट को आपको लेना है। उसे लेके आपको इसमें यूज़ करना है रोजमेरी ऑयल 2 ड्रॉप्स। रोजमेरी ऑयल बहुत अच्छा होता है और एक वाइट में फार्मिंग होता है जो हमारी स्किन को बूस्टअप करते, स्किन फार्मिंग को बहुत अच्छे से ग्लोइंग प्रोवाइड करता है। एक वाइट अगर आप नहीं ले सकते, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो, वेजिटेरियन हो तो नो प्रॉब्लम, आपको लेना है पपैया के पल्प। ये भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होता है पिगमेंटेशन के लिए। एंड लास्ट वन ऑफ द लिस्ट आपको यूज़ करना है क्यूकम्बर की पेस्ट, जो कि पिगमेंटेशन के लिए मेजर इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। हर एक पिगमेंटेशन क्रीम पे क्यूकम्बर की पेस्ट यूज़ होता है और रोजमेरी ऑयल का यूज़ होता है। इस पेस्ट को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करके आपको क्या करना है, ऑल ओवर फेस पे, ये नहीं कि जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे यूज़ कर लिया, ऑल ओवर फेस पे यूज़ करके 15-20 मिनट रख के सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद नॉर्मली सिंपली टैप वाटर से फेस को क्लीन कर लेना। इसमें देखोगे 15 डेज के अंदर आपके फेस पे जितने भी पिगमेंटेशन है सारे पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट शो मंतर हो जाएगा। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, अब इसे घर में यूज़ करें एंड बिना प्रिजर्वेटिव के इसका गुडनेस उठाए। प्रॉब्लम नंबर 3, टोनर, जो कि हम सारे यूज़ करते हैं। टोनर एक बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट्स होता है पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए और फेस की ग्लोइंगनेस को बरकरार रखने के लिए। इसके लिए आपको सिंपली एक क्यूकम्बर लेना है। क्यूकम्बर को बस सिंपली आपको पील कर लेना है, इसके जो छिलके होते हैं उसे उतार लेना है। अब उसे मिक्सी में बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद बहुत अच्छे से छलनी की हेल्प से आप उसे छान के उसका
का जो जूस होता है उसे आपको निकालना है। अब एक स्प्रे बॉटल लेके उसमें आपको क्या करना है, जो जूस आपने निकाला वो आपको स्प्रे बॉटल की 50% क्यूकम्बर की जूस रखना है और 50% उसमें आपको ऐड करना है रोज़ वाटर। दोनों को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद अच्छे से सेक कर लेना ताकि दोनों आपस में मिल जाए। आप इसे 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा गुडनेस प्रोवाइड करेगा आपके फेस पे, जो भी पोर्स होता है उसे मिनिमाइज करेगा, फेस की जो फॉर्मिंग होती है उसे टाइट करेगा, स्किन टाइटनिंग करेगा और फेस के साथ साथ ग्लो को भी बूस्ट अप करेगा। नंबर 4th पे जो प्रॉब्लम होता है वो होता है हेयर फॉल, ड्राइनेस और फ्रिजी हेयर। ये ऑल ओवर वर्ल्ड पे हर दूसरे बंदे को इफ़ेक्ट करता है, सबको ही इफ़ेक्ट करता है, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता ही है। इसके लिए सिंपली आपको लेना है एक लेना है, एक में होता है बहुत सारा रिच प्रोटीन ऑफ सोर्स जो हमारे हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूसरा इन्ग्रीडियंट्स आपको लेना है इसमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में होता है खूब सारा नरिशमेंट एंड आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा वन ऑफ द लीस्ट आपको लेना है क्यूकम्बर पेस्ट, जिसके गुडनेस के बारे में आपको पता ही है, इसमें विटामिन ए बी सी मौजूद है जो कि हमारे हेयर की सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करके हमारे हेयर के स्मूथनेस को बढ़ाएगा, आपके फ्रिजीनेस को ख़त्म करेगा, हेयर फॉल को भी जड़ से ख़त्म करेगा। तीनों को प्रॉपरली मिक्स करने के बाद आप ऑल ओवर स्कैल्प पे, ऑल ओवर हेयर पे लगा के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दो। देन आपको कोई भी हर्बल शैम्पू से, याद रखना कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट ना हो, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट से, हर्बल शैम्पू से आपको ऑल ओवर स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करके ऑल ओवर हेयर को रिंस करना है बहुत अच्छे से। ये इतना स्मूथ करेगा आपके हेयर को, हेयर को स्मूथ करने के साथ साथ आपके हेयर के सारे प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करेगा, है ना फ़ायदेमंद चीज़ें। तो ऐसे चारों अमेजिंग प्रोडक्ट आप घर पे क्यूकम्बर के साथ बना सकते हो, जिसके लिए आपके स्किन हेयर सारे गुडनेस से भरपूर हो जाएगा। अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हो जल्दी से करिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय।